वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निजुन गए करह इंदा गुरु गोविंद गुरु गो श्री विहारिदास दास को जीवत है संभाल विहार और शो कर सके अपने मुको प्रतिकार अनंत जन्म की भूल को छ में डारे खो श्री कुंज न लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद सुखुदा जो बिगरे गिरावरी हो ताते तुम सो के तो हों चे आपने भूल छुड़ाओ लाड़ी ली समझ दो भरपूर यह बात त्योहारी हाथ है मेरी लाज लाडली तो ही सबई त्योहारी हार श्री हा। बिहारी दास <coughs> को अवन आनगत तुम रे चरण कमल बम नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्यशक्ति अवताय मम मनोहरिदासुपदाम्बुजे वसतु शरवदुराशुविनाश तदनुगां सुषङ्गतिरस्तुमेव बपुरिदं विपन्नान्न याति मूर्धना न मामो वाचा वदामो हरिदाश मामो पक्ष्यां जगद्भ्यां हरिदासमूर्ति साधो न हरिदास हरिदासजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदास रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो श्री ना हरिदास और मनस श्री हरिदास निष्यो स्वाप जय श्रीवर बिहारिंद श्री हरिदास विपुल नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास की रूप रात परमोज्वल चिन्ह में महामधुर निर्वज मिट्टी हार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधु वेद मूर्ति अशेष रसिक चक्र शिवानी रसिक कमल कुलदेवा का अनन रपति श्री स्वामी हृदय विभाग प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि है हरि श्री धाम वृंदावन चंद्र वशिंग प्रेम गुरु आचार्य नाच्छी, नाच्छी। जो जाने अपरूप को तब ही सब सुख हो देह बुद्धि वे जो भजे में सुख नहीं को आचार्य चरण महामहीन बात बता रहे हैं जो जाने अपरूप अपने स्वरूप का ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित हो फिर सेवा और भजन अगर देह बुद्धि एम भाव में स्थित होगी कुछ क्रिया करेंगे तो उससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न नहीं होते भज अनन्य नेह काम प्रारंभ में कोई निष्काम भाव न बन पावे सकाम से भी कर रहा है लेकिन कर रहा है एक इष्ट तो फिर प्रभु रीत जाते हैं आगे निष्कामी बना लेते हैं इसमें बड़ा परमार्थ में बड़ा दम है परमार्थ में ये सत्य है ना झुटमुट खेले सचमुच हो सचमुच खेले बिरला को लेकिन वास्तव में जो सूरवीर हैं जिनको एक मात्र प्राप्ति की गर्ज है वो अपने स्वरूप को समझ के भजते हैं सहचरी हुए भजों पलक पास क्यों तजो तो ये थोड़ा भी भजन अपने स्वरूप में स्थित होके थोड़ा भी भजन और हमारे प्रिया प्रीतम क्या चाहते हैं हमारा स्वरूप क्या है हमारे युगल का स्वरूप क्या है ये समझना शुद्ध समझ हृदय में व्यवस्थित होना ये गुरु कृपा से स्वामी जी की कृपा से ही संभव है पहली बात तो ये अधम प्राणी बेचारा संसार के विषय आवरण विषय रूपी अंधकार से ही नहीं निकलता है प्रथम महातम प्रकृति ज्ञान रवि तहा प्रकाश है प्रकृति में अंधकार है किसी तरीके से ज्ञान का दीपक जल जाए कुछ समझ में आ जाए भाई हमको कुछ करना चाहिए केवल यहां की स्वार्थ पर में न रह के कुछ करना चाहिए थोड़ा भी ज्ञान हो उस बात का वो प्रथम सीढ़ी है प्रथम स्थिति दूजे ब्रह्म प्रकाश जैसे प्रारंभ में लोग देवों की पूजा सेवा कर रहे हैं जहां पीपल के पेड़ में पानी सकाम इधर उधर कोई आ गया कोई किसी तरीके उसको ही कर रहे हैं देखी देखा ना करने वालों से तो कुछ वो भी आगे तो बड़े कुछ समझा तो अपने से अलग कुछ बड़ा समझा तो सही किसी को तो ये कुछ अंधकार में कुछ जो मामूली सा ज्ञान का दीपक जला दूजे ब्रह्म प्रकाश आओ ये विशेष ज्ञान मार्ग का उपदेश प्राप्त किया ब्रह्म प्रकाश तो उसमें व्यवस्थित ये दूसरी सीढ़ी है अब इससे आगे तीजे पंकज नाभ भगवान शाकेत बासी जी की उपासना नहीं भगवान विष्णु जी की उपासना तीजे पंकज नाभ रमा बैकुंठ निवासी इसको समझा और धन्य धन्य चौथे दशरथ सुवन राम गोपुर के वास भगवान राघवेंद्र सरकार की उपासना और धन्य धन्य हो गए ब्रज के गोप नंदादिक सब गोपी ब्रज की अनेक प्रकार की उपासनाएं, ये वो और धन्य धन्य हुए छठे सखी समाज करें लीलारस ओपी ब्रज का ही एक विशिष्ट अंग सखी समाज छठवा स्थान श्री श्रीहरिदास के कुंज विहारी हैं कहा तो सातवा जो है कुंज बिहारी बांके बिहारी की जो उपासना है ये ये सबसे आगे की वस्तु तो इस उपासना को समझा सभी पटलों को पार करके इस उपासना तक पहुंचना बड़ा टेढ़ी खीर है क्योंकि जहां भी समझेंगे जहां भी डूबेंगे वहां भी ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा कुछ नहीं और सच्ची बात यही है हरि का स्वरूप जहां भी है सब अपने आप में परिपूर्ण है हरि पर पूर्ण भक्त तो बस सवय भक्त तो हरिमा है ध्यान जी महाराज सभी स्वरूप लेकिन जब स्वामी जी के देश की वृंदावनी नित्य सुख की गरिमा महिमा जब समझ में आएगी और फिर सहस्री भाव गुरुओं से प्रदत्त हुआ युगल का महामाधुर्य स्वरूप ऐश्वर्य लेस भी नहीं महामाधुर्य स्वरूप युगल का जब ये उपासना वृंदावनी नित्य सुख उपासना ये महामहम रसोपासना ये सुनने समझने को और हृदय में विराजमान और ये प्राप्त भाई और गुरु आचार्यों से अपने स्वरूप का ज्ञान सहस्री भाव का ज्ञान हुआ सहस्री भाव का ज्ञान होके जब समझे अपरूप अपने स्वरूप का चिंतन मैं प्रिया प्रीतम की लाल लीजू मैं आपकी अंग संगनी सहसरी हूं कैसा आनंद मिलता है इसको कह कहने मात्र से स्वीकार करने मात्र से और हृदय में रम जाता ये भाव यथार्थ में स्वीकृति हो जाती है फिर तो कहना ही क्या है कि मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं ये कहते 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 खेल है सचमुच हुई सचमुच भाव प्रकट हो जाता है पहले मन भी नहीं लग रहा फिर भी भजन कर रहे हैं फिर तो आगे ऐसा मन लगेगा कि भजन ही पकड़ लेगा मन को प्रेमी जनों तो आचार्य चरण कह रहे हैं जो जाने अपरूप को तवही सब सुख हो बिना अपने स्वरूप का ज्ञान हुए बिना इष्ट का ज्ञान हुए गुरु मंत्र लिया है भजन कर रहे हैं वो भी अच्छा है प्रारंभ में लेकिन सब बड़े सुख से सुखी कब हो गए जब अपना स्वरूप ज्ञान होगा फिर थोड़ा भी मनन चिंतन वो बहुत प्रिया प्रीतम को पसंद बहुत बहुत तब ही सब सुख हो क्योंकि वो देह बुद्धि का अहम भाव इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित संसार का आवरण नहीं है वहां अपना स्वरूप सहचरी हुए भजो पलक पास क्यों तजों एक पलक के लिए भी अवच्छि रूप से अखंड रूप से बिहारी विहरण का सानिध्य उनकी अंग संगनी सहचरी जब ऐसा सुख सौभाग्य इस दास को होगा वो महाधन्य धन्य महाधन्य महा में देह बुद्धि हुए जो जो देह और बुद्धि से भजन कर रहे हैं प्रारंभ काल में समझ में नहीं आए वो भी धन्य है लेकिन वास्तव में धन्य, धन्य धन्य प्रिया प्रीतम की हृदय के धन सहस्री भाव से भावित होके अथवा जिन भाव का जो भी जिस भाव का सेवन कर रहे हैं उस भाव को समझ के अपने इष्ट के स्वरूप को समझ के अपने स्वरूप को समझ के जो भजन करते हैं उनको वस्तु शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होती है <laughs> महानरक में जीव है तो जीवन की आस हरिजन हरि के पास हैं। तन तनते रहे उदास महानरक में है जीव असाशतन ये है यहां से जितना भी खेल है दुखालयम दुख का घर है दुख का घर क्या है वो नरक होता है दुख का घर तो नरक न कह के भगवान ने दुख का घर कह दिया दुखालयम अशास्वतम यहां आचार्य चरण कह रहे महानरक में जीव है अगर संत गुरुओं का संग नहीं हो तो ये महानरक में है नरक में से ही निकल के आया है गर्भ रूपी नरक से और यहां नरक में ही जाने की सारी व्यवस्था दोबारा कर रहा है जो, बोले एक रति हमेशा झूठे ही लेना ही देना ही चबेना सब कुछ बातचीत लेना देना परमार्थ की गंध भी नहीं हरी चर्चा तनक भी नहीं तो ये सब नरक में जाने के रास्ते देखा गया है घंटों घंटों कई कई घंटों केवल संसार की मजाक करते हुए बीत जाते हैं कोई कथा चलेगी चर्चा चलेगी तो सर्पों की ओ वहां ऐसे सर्प वो बड़े सर्प फिर भूतों की चल जाएगी और फिर चोरों की डकैतों की वहां बहुत बड़े ठाकुर जी की चर्चा देखा है गांवों में गांवों में बड़े प्रेमी जन भी लेकिन कई जगह ऐसे भी देखा है कि भूतों की सर्पों की और चोरों की चर्चा ठाकुर जी की चर्चा न सुनते हैं न करते हैं और अलाप पे बैठे बैठे जाड़े के दिनों में अग्नि जला रखी है कुड़ कुड़, -कुड़, 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 -कुड़ हुक्का पी रहे हैं और बस यही चर्चा कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं कई कई घंटे जब ये विवेक स्थिर होता है एक मिनट भी अगर व्यर्थ जाती है वो चुभती है चुभती है अलग तरीके के कोई लोग आ जाते हैं और उनसे कुछ बोलना चालना पड़ता है तो वो घड़ी दस पांच मिनट अगर बीतती है तो चुभती है ये घड़ी व्यर्थ में जाएंगी क्या फिर भी प्रयास करते हैं हरि के दास कि उनको दो चार बार किसी न किसी बहाने से स्वामी जी का नाम सुना देते हैं श्री हरदास श्री तो बोल नहीं रहा है मुख से तो कम से कम सुन तो रहा है इसका कल्याण शुरू हो जाएगा लेकिन जिनकी बुद्धि एकमात्र संसार के विषयों से ओतप्रोत हो रही है बहुत लोग समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते का कर सकत जैसे सत्संगी को कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है परपक्ष संगी को ऐसे ही महाकुसंगी को महाकुसंगी जो होते हैं जैसे आचार्यों ने कहा है बांस अंड तने सुगंधन हो करे असर सतसंग नहीं ज्ञान कुपातर सो बांस और अंडी का पेड़ मलियागिर की बिल्कुल जड़ में ही हो फिर भी उसमें सुगंध नहीं हो सकती है और नीम का कड़वा पेड़ चाहे वो भी सुगंधित हो जाएगा और भी पेड़ सुगंधित हो जाएंगे चंदन स्वरूप हो जाएंगे लेकिन बांस और अंडी बिल्कुल मलियागर की छत पर ही क्यों न हो उनमें सुगंध फिर भी नहीं होगी ऐसे ही जो महाकुशंगी हैं तो बांस अंड हैं दो जो कुपातर हैं जिनको कुपातर कहा पात्र नहीं कुपात्र महाकुपातर महा हैं जिनके रोम रोम में स्वार्थ परतता और कुबुद्धि भरी हुई है करे असर सत्संग नहीं उनको अस, सत्संग असर नहीं कर पाता गोस्वामी तुलसीदास तो जी भी कहते हैं मूरक हृदय नची जो गुरु मिले फूल है फल है बे ये बात है मूरख का हृदय जो महामूर्ख होते हैं शठ सत्संगति सतसंगत पाई षट है वो सत्संगति से सुधर जाता लेकिन मूर्ख को अलग बताया मूरख का हृदय जो एकमात्र कुपात्र है महाकुपात्र है वो सत्संग को स्वीकार ही नहीं कर पाता ऐसे भी हृदय होते हैं तुम तो महानरक में जीव है तो जीवन किया महानरक में है दुख भी भोग रहा है लेकिन फिर भी जीने की आस है और जी लो जीना तो उनका सार्थक है जो भजन करते हैं मरीन जननी जाए बड़े कह रहे हैं अरे भजन नहीं किया तेने इस जीवन को वैसे ही बहा दिया तेरे जन्म देने वाली माता ही क्यों नहीं मर गई मरी ने जन नहीं जाए माता पिता भी दोषी माने जाते हैं जो पुत्र भजन नहीं करते हैं। लगता है माता पिता ने ऐसी शिक्षा दी थी अगर माता पिता शिक्षा देते तो अधिक नहीं तो थोड़ा भजन थोड़ा परमार्थ तो अवश्य इनके हृदय में होता लेकिन ऐसी महाकुशंगी इनकी माता ही क्यों नहीं मर गई तू तो महान में जीव है क्योंकि सबसे पतित पिता और माता सबसे पतित माता पिता को बताया गया कैसी माता पिता को हरितज अन बतावे नाता जो कभी हरि की चर्चा कभी संतों के पास बैठने की बच्चे को बात नहीं उपदेश नहीं देते हैं स्वयं भी नहीं बैठते हैं वो ही संसार की खाने कमाने की झूठ सांच कैसे धन इकट्ठा हो कैसे हमारी इज्जत आगे बढ़े इज्जत तुम्हारी कभी आगे बढ़ेगी नहीं हरी भजन के बिना तो ना कटना ही कटना है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात नरकों की यात्राएं बहुत नहीं है बीस साल के पचास साल के बाद पचास साल में कछु कर लो जम के दूतों के आगे न तुम्हारी रिस्पत चलेगी न कोई जानकारियां चलेगी और न कोई जो है तुम्हारा वैभव काम देगा कुछ नहीं काम देगा एकमात्र हरि का भजन नहीं है तो कोई खोरी नहीं जबरदस्ती फंदा डाल देंगे घसीट के ले जाएंगे बेमान में बैठा के नहीं खचेर के ले जाएंगे घसीट के जैसे किसी पशु को घसीट के ले जाते हैं फंदा नार में डाल के यातना दे प्राप्त होती है दूसरी ये शरीर यहीं रह जाता है गले में फंदा डाल के और घसीटते हुए ले जाते हैं हाय हाय चिल्लाता है चिल्लावे मत तेने संत गुरुओं की बात नहीं मानी जब चिल्लाता है और मार लगाते हैं, पानी पीने को मांगता है उसके मुख में कुछ गंदी चीज डाल देते हैं उसको क्या कहें भूख लग रही है कुछ पत्थर डाल देते हैं उसके मुख में लिखा तेने संतों को खिलाया कुछ सो तेरे को जो है हम कुछ दे दें तेना कभी गौ सेवा करी गरीबों की सेवा करी मैं पत्थर खा कोई पत्थर खाने की चीज है फिर मरना है नहीं और दुख पूरा होता है क्योंकि तो यात्रा दे है कष्ट पूरा होता है लेकिन मरेगा तो नहीं कितना भी कष्ट दे भुगत ये इसलिए चेतो तुम महानरक में जीव है तो जीवन की आस बेटा जो देखा गया है बड़े बूढ़ों को कहीं कहीं सेवा फेवा बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं कर रहे तो उन्होंने उन उन्हों उन्हों अपने माता पिता की नहीं की थी तो उनकी सेवा कहां से होगी सेवा नहीं कर रहे और घर से बाहर चारपाई डाल दी है कभी पानी की पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं कराता रहता है कोई साधु संत बोले बाबा कैसे बैठ के रो रहा है खाट पे भी नहीं बैठा नीचे बैठ के कैसे माथे के ऊपर हाथ रख के बैठा है क्यों रो रहा क्या परेशानी हो गई हे संत जी आपको प्रणाम ये देख रहे हैं तीन मंजिल हवेली कितनी बड़ी बन रही है हा देख रहे हैं ये मैंने कमा कमा के बनाई अच्छा आ, तो बहुत अच्छा सर तुमने बनाई और ये बालक बच्चे कई बेटा हैं बेटाओ की बहू हैं ये सब के साथ मेरे को समय पर रोटी भी नहीं देते हैं और मेरे को बुरी तरह फटकारते तेरे पे मरा भी नहीं जाता है हे महाराज जी मैं क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा संत को दया आई ऐसा करो इतनी तुम्हारी दुर्दशा करते हां इसलिए मैं रो रहा हूं बैठे कि तू हमारे साथ चल दया गई संत तो दयालु होते हैं ना पड़े रहना आश्रम में जो सेवा बने वो कर देना जब तक तेरी सेवा कर सकते हो भजन करते करते सेवा करते करते शरीर को छोड़ देना दयालु होते हैं आश्रम में पड़े रहना चल हमारे साथ यहाँ क्यों लातपना खा रहा है अच्छे महाराज हाँ चल दो चार संत थे हाँ बात तो ठीक है महाराज जी पर महाराज जी अब थोड़ा बहुत जीवन है अब जैसे तैसे कट जाएगा अब यहीं रहने दो मुझे कोई बात नहीं है तो बेटा अपने ही मारे छोड़े जो कुछ करें संत जी बड़े हंसे कि बड़ी दुर्दशा है जीव की बड़ी दुर्दशा है समझाने से नहीं समझा कि यहीं पड़ा रहूंगा पड़ा रहेगा जब तक पड़ा रहेगा फिर यम के दूत आके अब कर रहे हैं बेटा फजीती और फिर यम के दूत जबरदस्ती ले जाएंगे फिर नरकों में फिर यम के दूध फजीती करेंगे उसके बाद फिर अनेक फजीती भजीती भजन नहीं करोगे और देखा गया है भैया जिन्होंने घर परिवार सब छोड़ दिया एकमात्र लाडली लाल के भरोसे हो गए इष्ट के भरोसे हो गए गुरु शरणों के भरोसे हो गए बुढ़ापे में देखा गया है उनकी सेवा करने वालों के बाठ नहीं बनता है एक घंटा मैं कर लू आधा घंटा मैं कर लू नहीं मैं एक घंटा करूंगा तुम आधा घंटा करना कल तुमने एक घंटा करी थी क्यों उन्होंने प्रिया प्रीतम का भजन किया है इन सब सेवकों के रूप में प्रिया प्रीतम ही तुम्हारी सेवा कर रहे आचार्य चरण कहते हैं आचार्य चरण इसलिए धोखे में नहीं भजना नंदी को कभी दुख मिल ही नहीं सकता है अगर उसको कोई दुख मिलता है कोई प्रबल प्रारब्ध के अनुसार तो उस दुख को वो दुख मानता नहीं ये बड़े आश्चर्य की बात है वो उसको भी सुख मानता है ऐसा उसको विवेक हो जाता है किसी भी दुख से वो हिलता ही नहीं उसको भी सुख प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मानता है यह एक बड़ी विचित्र है पहली बात दुख मिलते नहीं है बड़े बड़े दुखों का भी निवारण और अल्प रूप में आते हैं और कोई प्रबल प्रारब्ध के अनुसार भारी दुख आ भी जाए तो ये भक्त लोग ऐसे विवेकी हो जाते हैं उसको दुनिया दुख मान रही है लेकिन वो स्वयं दुख नहीं मान रहे हैं हृदय अंदर से महाप्रसन्न है संसारियों की तरह रो नहीं रहा है रोता है तो प्रभु के लिए रोता है प्रभु के लिए तड़पता है इन दुखों के कारण नहीं रोता है ये भजन का आवेश भक्ति का आवेश प्रेम का आवेश ये तो प्रभु की भक्ति में धोखा नहीं है कि क्या होगा बुढ़ापे में कैसे अगर ये सोचते हैं भजन करने वाले व्रक्त भेष ले लिया और फिर ऐसे हमारा बुढ़ापे में क्या होगा पता नहीं हमारे पास तो पूंजी नहीं है बैंक बैलेंस भी नहीं है और आश्रम कुटिया भी नहीं है समझो वो अभी व्रक्त भय ना है उनको अगर ये चिंता है तो अभी प्रभु के दास है ही नहीं अरे प्रभु के दास तो निर्भीक हो जाते हैं निर्भीक हे प्यारे जो ही ज्योही ही तुम राख तो तुम ही तुम रही उठा अपराधन को दंड दे मोको मैंने जन्म जन्मांतर में जो भी अपराध किए हो प्रभु मुझे दंड दो लेकिन मेरे आप और मैं आपका हूं ये कितना भी दुख दो ये विवेक ये शरणागति ये आश्रय ये अनन्य आश्रय मेरे आप हैं कितना भी कष्ट मिले मेरे आप हैं मुझे आपसे मिलना है मेरे आप हैं प्रभु मेरे को गुरुओं की कृपा से विवेक हो गया है यहाँ के दुख और सुख ये दोनों भ्रम हैं मुझे कोई लेना देना नहीं ये शरीर भोग रहा है मैं आपका हूं मेरे आप हैं उसको यहां के दुख विचलित नहीं कर सकते ऊपर से दुखी चाहे देख रहा हो अंदर महाप्रसन्नता छाई हुई है ये बिहारी विहार की असीम कृपा जब होती है ऐसा विवेक प्राप्त होता है किसी भी दुख से विचलित नहीं होता है जब एक अनन्य आश्रय इष्ट का हृदय से होता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, मीरा मीराबाई को कितने कष्ट दिए गए कितने महापुरुष हैं प्रहलाद जी को मीराबाई को कितने महापुरुष हैं लेकिन उन्होंने एक क्षण भी कष्ट नहीं मान प्रभु उनके साथ हां तुम तो मीराबाई और प्रहलाद नहीं बन सकते हो जो वो बन चुके हो तुम भी बन सकते हो पर चलो तुमके हम नहीं हो सकते हैं तो जितने जो कुछ तुम हो सकते हो प्रभु उसी में रीत जाएंगे तुमसे उसी में प्राप्त हो जाएंगे घबराइए मत अनन्य आश्रय ले लीजिए द्रक्त तो हो तो हिलना नहीं है और ग्रस्त में रहकर भजन करना है तो कोई भी और आश्रय नहीं सेवा करो जो भी संपत्ति दिए उसकी सुरक्षा बिहार जी की संपत्ति समझ के सेवा प्राण सब करना है लेकिन उसमें ममता मत कर ये ममता ही तो बंधन है आशक्ति करो प्रभु के चरणों में ये ममता अगर कर ले तो भजन करते हुए इसी मकान में कुछ न कुछ बन के चाहे कोई नाती बेटा बन के या बीचू चकचूंदर, सर्प, चूहा बिल्ली ये बन के इस मकान में आना पड़ जाए इसलिए सावधान हो जाए इसलिए भजन करो अनाशक्त भाव से ग्रस्त में रह के ये सेवा सौंपिए सेवा करना मेरा कर्तव्य है मैं बिहारी विहरन का हूं बिहारी विहरन मेरे हैं ये आशक्ति जो भी शास्त्र आज्ञा के अनुसार उचित धर्म को निभाई गृहिणी का जो धर्म है पति का जो धर्म है जो जो धर्म सबको निभाते हुए लेकिन आशक्ति बिहारी बिहारण के चरण जंग जीत जाओगे प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु की भक्ति में धोखा नहीं है सावधान जो हरि भजे अंत हो जो भूल तन मन की सुदिना रहे ताछिन हरि अनुकूल जो सावधानी पूर्वक हरि का भजन करते अनन्याश्रय से ऐसा नहीं गंगा गई गंगा दास जमुना गई जमुना दास जहाँ गए, गए वहीं हो गई उनके ही हो गई उन्हीं का भजन करने लगे उनके ही गीत गा रहे हैं उनका भजन सही नहीं एक अनन्य भाव तो उनके लिए कह रहे हैं जब ऐसी स्थिति उनकी बिगड़ जाती है अंत में नाम जाप नहीं कर सकता है शरीर की स्थिति बिगड़ गई जिनका नाम जाप किया है अनन्य भाव से वो प्रभु आ जाते हैं क्यों तो नाम नाम जहां से हमारा श्याम नाम जाप किया है प्रभु वहीं आ जाते हैं और श्वास रूप होके उस नाम को आप जाप करते हैं और अपने धाम को ले जाते हैं भक्ति में धोखा नहीं है सावधानी पूर्वक जीवन में नाम जाप करिए जितनी कोशिश पूरी कोशिश लगा दीजिए इंद्रिय संयम में नाम जाप में सेवा में पूरी ताकत को लगा दीजिए जितनी तुम में ताकत है बाकी इसके बाद भी कोई बात नहीं बन पाती है फिर प्रभु संभाल लेंगे लेकिन उस ताकत को संसार में न लगा के प्रभु की आसक्ति में लगा पूरी ताकत और फिर रोक के कह दो प्रभु मैंने तो हर तरीके से जोर लगा लिया लेकिन ये बात मेरी नहीं बन पा रही इस तरीके से मन बस में नहीं हुआ है रो रो के कहो प्यारे आप संभाल लो फिर प्रभु अपने आप संभालो क्योंकि प्रभु की माया है वो जानते हैं ये माया इतनी बलवती है देवी विषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे भी प्रपद्यंती माया मीताम तरंत मेरी माया बड़ी द्रत्या है बड़ी दुस्तर है बड़े बड़े जो है योगी तपी सन्यासी मेरी माया से पार नहीं पाते हैं लेकिन एक अनन्य भाव से चिंतन मनन अनन्य आश्रय से मेरी माया से पार पा जाता है भगवान को इसलिए प्रेमी जनों महानर कुमे जीव है तब जीवन की आस इस मां अधम की स्थिति है नरक में है नरक में ही रह रहा ही जाएगा जीवन की और जी लू और जी लू नाती तो देख लिया पंती देख लू पंती तो देख लिया और छंती देख लू और जीवन की आस अविवेक महाविवेक भजन नहीं किया विवेक नहीं है सत्संगति नहीं किए उनकी ऐसी विचारधारा होती है सीधा नरक का द्वार उनके यहां से खुलता है उनके लिए खुलता है हरिजन हरि के पास हैं, तन तेरे उदास जो हरि के दास है हरिजन हैं, वो जीते जी हरि के संग हरि के पास हैं, रोम रोम आनंद भयो छिन छिन हो तो स क्यों श्री कुंज बिहारी लाडली छिन छिन हमारे पास सदा हमारे पास प्रेमी जनों के संग संग कुंज बिहारी लाडली रहती हैं दूर एक क्षण के लिए नहीं हो सकती ये दृढ़ विश्वास है तो वो हलास में रहते हैं तो हरिजन हरि के पास हैं तनते रहे उदास बिहारी दासदास की संसार ते उदास जो स्वामी जी के दास हैं वो संसार के सुखों से संसार के सुखों के बीच में रहते हुए ऐसे लगेंगे ये तो रमे हुए हैं लेकिन उनका मन जानता है मेरे तो बिहारी बिहारे नहीं और दूसरा न कोई मेरे तो स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी बिहारी जी बिहारी जी, भियारी जी और नशु आंख मुंह नरिजन तो हरिजन हरि के पास हैं तनते रहे उदास तन के सुखों से तन के विषयों से तन की आसक्ति से तन के संबंधित उनसे उदास रहते इसीलिए वो हरी के पास है हरि के संगे और हरी उनके संगे भजनती तुम आम भक्त्या मैं तीस चाप्य हम मैं उनके हृदय में वो मेरे हृदय में है प्रभु कह रहे मेरे भक्त प्रेमी जनों इसलिए बिना भजन के सार नहीं है नहीं है नहीं है क्षण क्षण एक क्षण भी बिना भजन के और बिना सेवा के नहीं उन्हीं के चिंतन में अहर चिंतन स्मृति को सम्हारो अन्य चेतहात स्मृति नित्य सा नित्य स्मृति नाम जब चिंतन मन तुम्हारा तो आनंद होगा ऐसा होगा तुम्हारे दर्शन से सारे जगत का आनंद हो जाएगा ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी स्वामी जी महाराज श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास